हेलो आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ऑसम गेम प्ले। मैं आपको दोस्त ब्राह्मण विधान स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे ग्रेटेस्ट चैनल ब्राह्मण विधान गेमिंग में। तो गाइस आज हम फिर से खेले जा रहे हैं फ्रॉस्टबोर्न कॉपी सर्वाइवल। तो यार गेम प्ले के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यार आज का ये ऑसम गेम प्ले शुरू करते हैं। ओके तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरी एक न्यू क्लेन जो कि मैंने अभी अभी रिसेंटली बनाई हुई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और उससे पहले जरा मैं बेस चेक कर रहा हूँ यार, क्या है कि भाई काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर नहीं आया था, तो मेरे भाई बेस में रेड हो चुकी थी। हाँ भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। और भाई क्या है, यहाँ के जितने भी हमारे पास जितने भी वेपन्स मटेरियल्स वगैरह थे सारे के सारे, भाई कोई बड़ा बंदा आया होगा ना तो मीडियम चेस्ट से तक लूट के ले गया वो। एनीवेज कोई नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे। फिलहाल ये रही भाई हमारी न्यू दैट इज क्लैन GSRK एंड दिस इज ब्राह्मण विधांस गेमिंग ऑब्वियसली। तो ये देखो भाई कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों ने लेफ्ट कर दी है। एनीवेज तो वो यहीं के होंगे यूरोप रीजन के। तो ये रही बस आप लोगों को दिखा दिया मैंने, अगर आप यूरोप रीजन में हो तो, और अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। एनीवेज चलो भाई, तो ये देखो चेंजिंग रैंक वगैरह। एनीवेज चलो भाई बाहर चलते हैं और आज हम चलने वाले हैं दैट इज़ न्यू वर्ल्ड में, और जो कि है द रोड टू जॉटनहाइम। तो भाई हम आज उस जगह को चेक करने वाले हैं कि भाई वहाँ पर ऐसा क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, वहाँ पर ऐसा क्या नया है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं बाहर। और ये देखो भाई ये है टास्क जो कि क्लैन लीडर यू नो स्टार्ट करता है। मैं एक्चुअली यार जिस क्लैन में था, तो यार मैंने उस क्लैन में देखा भाई कि जो लीडर है वो एक्चुअली किसी भी क्लैन टास्क को स्टार्ट ही नहीं करता था। बट मैं जब बी क्लैन के में जाता था ना यार, तो मैं देखता था कि वहाँ पर तीन चेस्ट रखी हुई हैं, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स। वो कहते हैं कि आप क्लैन कैंप में क्लैन के द्वारा टास्क कंप्लीट करो, वहाँ से पॉइंट्स को यू नो क्लेम करो और यहाँ आकर रिवॉर्ड लो। तो मुझे कुछ लिटरली समझ में नहीं आया, बट मैंने सोचा माइट बी लीडर के पास वो यू नो पावर रहती होगी कि भाई वो टास्क वगैरह स्टार्ट करे। तो मैंने सोचा चलो यार अपनी ही क्लैन बनाते हैं और देखते हैं ऐसा क्या है। तो यार मैंने देखा तो भाई टास्क तो ठीक है मिल गए, बट यार काफ़ी ज़्यादा यू नो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगे भाई। 30 मिनट्स में आप इतनी हाई लेवल के टास्क हैं, बट कोई नहीं, अगर सारे मिलके करें ना, ऑब्वियसली क्लैन टास्क हैं तो सारे मिलके करें तो शायद हम उधर तक पहुंच पाएँ। एनीवेज चलो भाई बेस हमने चेक कर लिया है अच्छी तरह से, और यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कोई भी डोर विंडो बचा हुआ है जो मैंने भरा हुआ नहीं है। और ये देखो भाई मैंने हमारे बेस में भाई जो यू नो दैट वीक रॉजर्स वॉल्फ वगैरह ये सब कुछ भाई रेड से बचने के लिए भाई इनको कैद करके रखा हुआ है। ओके तो भाई चलो अब चलते हैं द रोड टू जॉटनहाइम। ओके तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आ चुके हैं वर्ल्ड मैप में और ये रहा जॉटनहाइम गेट्स। तो चलो यार मैंने ज़्यादा कुछ यू नो तैयारी नहीं की है, बट चलते हैं, हो सकता कोई ऐसी नॉर्मल हो जहाँ पर सारे प्लेयर्स आते हों, कुछ नहीं जानता मैं, बट चलते हैं। एनीवेज तो चलो भाई ये क्लेन मैसेजेस मैंने डाले थे एक्चुअली, चलो चलते हैं अंदर। और पता नहीं भाई क्या होगी वहाँ पर, मिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्री। एनीवेज तो देखते हैं। ओके दोस्तों यार ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके हैं। तो लो भाई हम पहुँच चुके हैं जॉटनहाइम गेट्स में, एंड लो भाई हम आ चुके हैं अंदर। तो भाई ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये क्या है, यहाँ से हमें एक स्क्रॉल रिसीव हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। टू द वन हु मेक्स इट हियर, जायंट्स होप्ड टू रिसेस्ट दिस मैजिक, बट नाउ दे आर नथिंग मोर देन आइस परपेट्स ऑफ किंग्स इन द कैटेकिस। इफ सैनिटी हैसेंट अबंडन यू, रन बिफोर आइस गेट्स इन योर हार्ट। तो भाई यहाँ पर कुछ बंदे आए हुए थे आई थिंक सो, तो वो यहाँ पर बर्फ़ बन गए। ओके तो ये देखो दोस्त, तो वो हमसे कह रहा है कि भाई अगर तुम भी बर्फ़ नहीं बनना चाहते हो, तुम्हारा दिल भाई मतलब धड़कता रहे, बर्फ़ नहीं बन जाए तो यहाँ से भागना ही सही है। बट यार मैंने उम्मीद नहीं रखी थी दोस्त कि यहाँ पर ये होंगे, वो भी कुछ हाई लेवल के ही हैं। ये देखो आइस वार्डन जिसकी 100 है HP। हाँ ऑब्वियसली डैमेज इतना नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने यार फिर भी रख लेते भाई के भाई ढाल तरवार रख ही लो। ओके तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि इसके गेट, ओके तो काफ़ी सारे हैं यार यहाँ पर, तो इनको मारता जाऊँ क्या। ओके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि मतलब आखिर जाना कहाँ है। ओके तो भाई ये आ रहे, ओ भाई मेरी HP देख रहे हो यार, तो मुझे हील करना होगा जल्दी से जल्दी। ओके तो वो भाई सॉर्कर जैसा है, ये देखो दोस्त कितना, ओ हो हो हो, अरे यार मुझे जल्दी से हील करना होगा यार, ये दोनों ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। वापस चलता हूँ भाई, मैं बाहर जाता हूँ। तो लो भाई मैं वापस भाग गया एंड आई एम बैक वंस अगेन। तो भाई अब मुझे हील कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, मेरी HP 87। और हाँ यार अगर आप लोगों को पता हो भाई तो मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना यार, मेरी जो यू नो लेवल है
वो भाई 99 से आगे बढ़ ही नहीं रही है, लॉक हो गई है। पता नहीं क्यों, माइट भी डिस्ट्रिक मुझे अपग्रेड करनी होगी शायद उसके कारण, बट भाई वो 99 पे अटक के रह गई है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, लॉक हो गई है वो। तो अगर आप लोग इसके विषय में जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो भाई सॉर्कर टाइप उसको मार दिया मैंने। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि भाई यहाँ का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मेरे ख्याल से कोई और नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ से लूट, अच्छा ये है, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या है भाई, ज़रा देखें तो वॉर्म फैब्रिक। ओके, ये एक न्यू टाइप का मटेरियल है भाई। ओके, तो यहाँ से नेल्स एंड दैट वॉर्म फैब्रिक, और देख लेते हैं क्या मैं इन आइस को जो ये बन गए हैं, ये तो कम्प्लीटली टूट गए होंगे ना इनकी, मतलब अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा इनकी बॉडी में। ओके, ये देखो दोस्त, तो दोस्त अकॉर्डिंग टू द स्क्रोल यार मैंने जैसा पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई जाइंट्स ने कोई मैजिक को रेसिस्ट किया हुआ था, तो ये व्हाट यू से पास्ट टाइम की बात है, बट जो अब प्रेजेंट में है जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये किसी आइसी पपेट्स, आई मीन बर्फ के पपेट्स ऑफ किरगा, आई मीन किरगा कोई जगह होगी, माइट बी किरगा और केयर टेकर्स के अंडर में है अभी ये जगह। तो उसने कहा था कि अगर भाई अगर आप सैनिटी से अबंडन नहीं हुए हो तो भाई यहाँ से भाग जाओ, भाई आपके लिए बेहतर होगा। एनीवेज यहाँ पर एक गेट है और आगे कुछ और भी हैं और इसने मुझे देख लिया है, तो चलो भाई आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं यार कि यहाँ पर चल क्या रहा है और हमारे यहाँ पर क्या काम है। ओके दोस्तों, टाइम टू गेट टू इन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो चलो भाई इसके व्हाट टू से जो भी कहो फोर्ट है, पता नहीं क्या है, खुला हुआ है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। और ये कौन खड़ा हुआ है ज़रा देखते हैं, एक ही आई थिंक सो यहाँ पर। तो ओके भाई, ये तो बड़ा अजीब है, इसका नाम भाई केयरटेकर है। ये देखो दोस्त, ओ भाई HP, देखो इसकी HP भाई, इसकी तो 700 HP है और मेरी देखो यार 198। पता नहीं भाई धोता होगा सो अलग, वो पता नहीं 200 है, एक ही बार में ना मार दे। ओके दोस्तों, आई एम रियली 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 सॉरी यार, इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा, क्योंकि भाई जा कैसे पाऊँगा भाई, बचूँगा तब तो आगे जाऊँगा यार। इससे लड़ने के लिए मुझे यार कुछ व्यवस्थाएँ करनी होंगी भाई, तलवार और ढाल से काम नहीं चलने वाला। ओके भाई, तो मेरे ख्याल से, अरे भाई अरे देखो तो भाई किस तरीके, अरे भाई ओके, तो भाई मैंने एक बार मारा उसे और उसने भाई दो खड़े कर दिए मेरे अपोजिट। वो पता है भाई किस तरीके का वेपन लिए हैं भाई, 13 का डैमेज पर हिट पे देंगे, आई मीन 2 सेकंड पे, वो 13 2 26 डैमेज पर सेकंड देंगे वो। निकल लो पहली फुर्सत में, निकल लो भाई, क्योंकि इनसे नहीं लड़ पा रहे। ये देखो भाई मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये देखो दोस्त किस तरीके, मैंने कहा था भाई देखो -21 21 2 सा, अब लगा लो भाई, अब मैं HP रिवाइव ही होता जा रहा हूँ। लोल लिटरली भाई मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था भाई, कैसा केयर टेकर है भाई, केयर टेकर उसका नाम है यार, किसने रखा भाई, नाम बताओ मुझे उसका, केयर टेकर नाम भाई, ये कैसा नाम हुआ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, केयर टेकर ऑब्वियसली होगा, वो उस जगह की केयर टेक कर रहा होगा, है ना। हाँ सही बात है, क्योंकि भाई मेरी तो केयर कहीं से भी टेक नहीं कर रहा था वो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलो यार कैंप में चलते हैं अब, और मेरे ख्याल से अब बाकी का कुछ काम मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो चलो कैंप में चलकर बाकी की बात करते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, यार हम आ चुके हैं कैंप में, तो चलो भाई बात कर लेते हैं, किस विषय में करनी थी वैसे, तो ज़रा सोचते हैं। ओके तो भाई मुझे, वैसे अगर आप लोग जानते हो तो यार मुझे ज़रूर बताना यार कमेंट करके कि भाई उस केयरटेकर को कैसे हराना है, और वहाँ का भाई जो व्हाट इज़ जॉटेनहाइम है ना, जॉटेनहाइम गेट्स में मतलब क्या होने वाला है, क्या होता है आगे, कुछ रिसीव होता है क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। तो हालांकि हम पता करते जाएंगे आगे की गेम प्लेस में, बट फिर भी अगर आप लोग को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, इजी रहेगा यार। और हाँ भाई, उस केयरटेकर को कैसा मारा जाए, किस वेपन के साथ, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे वो भी ज़रूर बताना। और हम कुछ जुगाड़ करते हैं भाई, उसको जल्दी से जल्दी हराना भी है, क्योंकि भाई जो मुझे लगता है कि यार हर स्किल में अगर वो ऐसे दो को वोट उसे जिंदा करता होगा तो भाई लड़ना इतना ईजी नहीं होगा उसके साथ, बट फिर भी कोशिश करेंगे।
फाइन देन, सो ये कम्स द एंड ऑफ टुडेस गेमप्ले माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और नेक्स्ट ऑसम तगड़ी गेमप्ले में, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाइयों के साथ शेयर कीजिए, प्यार को शेयर कीजिए। और हाँ भाई, मेरे साथ साथ ही सोचिए यार कि अब उस कैटेकर का करना क्या है, कैसे मारा जाए उसे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।